येरोमन अन्योन्याश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि मैं रेगुलर आपको BTS के इस जून मंथ में मिलने वाले सभी सरप्राइजेस से अपडेट कर रही हूँ, तो आप BTS के कुछ और बड़े सरप्राइजेस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ और सरप्राइजेस ऐड होने जा रहे हैं जो आपकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देंगे। और इस अमेजिंग सरप्राइज को हम आपके साथ शेयर करें, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS का कोई भी सरप्राइज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप BTS की हर एक न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कल से ट्विटर पर वर्ल्ड टूर ट्रेंड कर रहा था, जिसका रीजन था कि BTS ने अपनी न्यू एल्बम के एक पोस्टर पर आर्मी के लिए एक क्लू छोड़ा था, जिसे आर्मी कई दिनों से सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। अगर डिटेल में बात करें तो इस पोस्टर पर 7th जून कोरियन टाइम 12 o'clock लिखा हुआ था, जिसका मीनिंग था कि 7th जून रात 12 बजे आर्मी को एक बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। जिसके बाद हमारी ग्लोबल CID आर्मी ने गैस किया कि BTS अपने वर्ल्ड टूर की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आर्मी का ये गैस गलत निकला, जिसके बाद बिग हिट एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल चैनल पर रात 12 बजे अनाउंस करते हुए कहा कि BTS अपनी 9th एनिवर्सरी पर आर्मी के साथ लाइव आने वाले हैं। और इसमें भी एक सरप्राइज ये है कि कोई स्पेशल गेस्ट BTS मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद आर्मी ने एक बार फिर से गेस्ट करना शुरू किया, जिसमें कुछ आर्मीज ने कहा कि BTS के साथ पांग बीडी होंगे, तो कुछ ने कहा कि चार्ली पुट भी हो सकते हैं, जिनके साथ BTS मेंबर्स कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। वेल, इस स्पेशल गेस्ट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि 13th जून आर्मी के लिए काफी स्पेशल होने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम BTS को कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, तो आप BTS को 13th जून को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 5:30 PM देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप BTS को उनके ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर ही देख पाएंगे, जहां वो लाइव आकर आपसे चिट चैट करने वाले हैं। तो ये सरप्राइजेस स्टार्ट होंगे 10th जून से, जहां हमें सबसे पहले BTS की एल्बम देखने और सुनने को मिलेगी, जिसके बाद 13th जून को ये अमेजिंग सरप्राइज देखने को मिलेगा, और इसके बाद 16th, 17th और 19th जून को BTS के कोरियन म्यूजिक शोज में एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि BTS के सरप्राइजेस यहीं खत्म होने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। BTS ने हमारे लिए और भी सरप्राइजेस सोच रखे हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तो आप इन सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगेओ।